अनुपमा यानी रूपाली गांगुली। दोस्तों, अगर आप टीवी सीरियल देखते हैं तो ये कैरेक्टर आपका भी फेवरेट ज़रूर होगा। आज मैं अनुपमा यानी रूपाली गांगुली जी की छोटी सी अनसुनी कहानी आपको बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, रूपाली गांगुली अब टीवी की सबसे महंगी, चर्चित और सफल एक्ट्रेस में से एक है। साल 2020 में शुरू हुआ उनका शो अनुपमा सक्सेस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है और बड़े बड़े टीवी शोज़ को पीछे छोड़ टीआरपी की लिस्ट में नंबर वन की पोजीशन में कुंडली मारकर बैठा हुआ है। और इस शो में रूपाली गांगुली एक अनपढ़ और घरेलू महिला का रोल प्ले कर रही हैं। हालांकि रियल लाइफ में रूपाली बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। रूपाली गांगुली ने यूं तो एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाया है, लेकिन उन्होंने एक्टिंग फील्ड में पढ़ाई न करके किसी और प्रोफेशन में डिग्री हासिल की। 5 अप्रैल 1977 में कोलकाता में जन्मी रूपाली गांगुली ने थिएटर की पढ़ाई के साथ साथ होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया है। बात करें बिजनेस की तो वो भले ही अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चलाती हैं। उन्होंने इस एजेंसी की शुरुआत साल 2000 में की थी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि रूपाली गांगुली दूर का सोचती हैं और अपना फ्यूचर प्लान पहले से ही सोच रखा है। रूपाली गांगुली फेमस फिल्म डायरेक्टर अनिल गांगुली की बेटी है। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत महज 7 साल की उम्र में फिल्म साहेब से की थी। ये फिल्म उनके पिता अनिल गांगुली के डायरेक्शन में बनी थी। फिल्मी दुनिया में करियर बनाने के बजाय उन्होंने टीवी की ओर रुख किया और सुकन्या से छोटे पर्दे पर डेब्यू किया। बाद में वो संजीवनी, भाभी और साराभाई वर्सेस साराभाई टीवी शोज में नजर आईं। प्रेजेंट टाइम में 43 ईयर की रूपाली गांगुली अनुपमा सीरियल में नज़र आ रही हैं। दोस्तों, अनुपमा में रूपाली गांगुली अनुज कपाड़िया उर्फ गौरव खन्ना की ऑन स्क्रीन पत्नी का रोल प्ले कर रही हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली कैसी लगती हैं, उनकी कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा और वो सीरियल में उनका कैरेक्टर आपको कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।